हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक डाइट प्लान जिससे आप 10 से 15 किलो लूज कर सकते हैं सिर्फ 15 दिन के अंदर। यस, यू हर्ड इट राइट, 10 to 15 kgs इन जस्ट 15 डेज। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद कर चुकी हूँ अपने साथ और मैंने 15 दिन के अंदर 11 किलो लूज़ किया था यही डाइट प्लान फॉलो करके। दोस्तों, एक टाइम था जब मेरा वेट 110 किलो होता था। यू हर्ड इट राइट, 110 kgs। और आज मैं आपके सामने हूँ, आज मेरा वेट समवेयर अराउंड 67-68 kgs है और ये मैंने यही डाइट प्लान फॉलो करके अपना वेट कम किया है। मुझे जो लोग जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, वो मुझे पूछते हैं, मुझे देखकर कि ये कैसे सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कैसे तुम ने इतना वेट लूज कर लिया शिखा, कैसे तुम इतनी पतली हो गई। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे इतनी बेनिफिशियल लगी है और मेरा इतना फ़ायदा हुआ है, क्यों नहीं मैं आप सब लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं। और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर अपना वेट लूज करना चाहते हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं अपने मोटापे से, क्यों नहीं वो इसको फॉलो करके अपना वेट लूज कर सकें। आप इस डाइट प्लान को फॉलो करो और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपका वेट लूज होगा ही होगा। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, मेरा हुआ है यार, आपका भी होगा, कैसे नहीं होगा। आप बस इस डाइट प्लान को फॉलो करो और बस थोड़े से डिटर्मिनेशन के साथ आप इसको फॉलो करते जाओ। तो चलिए गाइज, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो डाइट प्लान जिससे मैंने 15 डेज में 11 केजीज लूज़ किया था। और अगर आप ये सारी चीज़ें मेरी फॉलो करोगे तो आप भी लूज़ करोगे, हो सकता है कि आप 15 केजीज तक भी इससे लूज़ कर लो। ये सब कुछ डिपेंड करता है हर इंसान के मेटाबॉलिज्म पे और उसकी बॉडी पे। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ आपको उठते ही करनी है वो ये है कि आप फ्रेश होंगे और उसके बाद आप अपना वेट चेक करेंगे डेली। आप जब अपने वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको अपना वेट चेक डेली करना है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना। तभी आपको पता लगेगा कि आप जब कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो उसका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले जो उठते ही जो चीज़ करनी है वो फ्रेश होकर आपको अपना वेट चेक करना है। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आपकी बॉडी में जानी चाहिए वो है हमारा मॉर्निंग ड्रिंक, वो है पानी। और पानी भी सिंपल नहीं, पानी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, ये रही उसकी रेसिपी। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, उसको गैस पर रखना है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है 1 लीटर पानी। और इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जीरा, ये 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच गया जीरा इसमें। अब इसको अच्छे से हम ढक के रख देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। अब ये लिड से हमने ढक दिया था इसको, देखो ये बॉयल हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे और ये थोड़ा सा हमें गर्म गर्म ही पीना है। तो ये 1 ग्लास सुबह हमें खाली पेट लेना है और बाकी का भी जो बचा हुआ है उससे भी हमें गर्म करके पीना है। पूरे दिन में आप उसे 1-1 ग्लास करके पी के ख़त्म कर दो। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है और ब्रेकफास्ट करना है बिल्कुल टाइम पर। ब्रेकफास्ट पहली चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करना और 8 से 9 बजे के बीच में आपको ये लेना ही लेना है, 9 बजे के बाद नहीं करना, 9 बजे से पहले ही अपना ब्रेकफास्ट पूरा करना है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में हम लेंगे मल्टीग्रेन रोटी, उसके साथ कोई भी आपकी पसंद की सब्ज़ी आप ले सकते हो एक बोल, और साथ में आप ले सकते हो चाय या कॉफ़ी, लेकिन बिना शुगर के। तो ये देखिए हमारे ब्रेकफास्ट की रेसिपी। ये 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, 1 कटोरी जौ का आटा लिया है, 1 कटोरी मैंने यहाँ पे ज्वार का आटा लिया है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी रागी। अब ये हमारा मल्टीग्रेन आटा घर पे ही बनके तैयार हो गया है। इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं हमें। यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उतना ही जीरा, फ्लेक्स सीड्स ये भी 1/2 छोटा स्पून मैंने लिया है, और ये है काली मिर्च। ये सब चीज़ें इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमें आटे को गूंद लेना है। हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे तो आपका आटा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट गूंदेगा। ये हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया, एकदम सॉफ्ट। उसका एक पेड़ा मैंने लिया है यहाँ पे और इसको बेलेंगे
और जैसे हम अपनी नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे अपनी रोटी बना लेंगे। तो ये बेल लिया मैंने यहाँ पे, अब इसको तवे पे डालेंगे और जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें इसे सेकना है तवे पे। रोटी यहाँ पे मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको मैं सर्व कर देती हूँ। इसके ऊपर मैं लगा लूँगी एक चम्मच देसी घी। ब्रेकफास्ट में एक चम्मच देसी घी आप रोज़ ज़रूर खाइए। इसको मैं सर्व कर दूँगी सब्ज़ी के साथ, आप किसी भी सब्ज़ी के साथ इसको खा सकते हो। मैं यहाँ पे आज इसको घी के साथ खा रही हूँ और अपनी चाय कॉफ़ी आप साथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है हमारी मिड मील की बारी। आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में थोड़ी बहुत जो भूख लगती है और अपना मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट रखने के लिए हमें मिड मॉर्निंग एक छोटा सा स्नैक रखना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो, आप एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हो, आप अमरूद ले सकते हो, या फिर कोई भी फ्रूट जो सीजन में है, जो आपको अवेलेबल है ईजिली, आप वो एक फ्रूट ले सकते हैं मॉर्निंग में। आप कोशिश करिए कि जब आप फ्रूट ले रहे हो पूरे दिन में तो आप उसको मॉर्निंग के टाइम में ही रखिए, शाम के टाइम में आप फ्रूट्स को अवॉइड करिए, क्योंकि फ्रूट्स में होती है नेचुरल शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको शाम या रात को नहीं लेना चाहिए। तो आप फ्रूट्स जो भी ले रहे हैं वो आप मॉर्निंग के टाइम पर ही रखिए। अगर फ्रूट नहीं लेना चाहते तो आप भीगे हुए 5 बादाम और 2 वॉलनट्स यानी कि अखरोट आप ले सकते हो, या फिर आप भुने चने ले सकते हो छोटी कटोरी एक। तो इस तरह की चीजें आप मिड स्नैक में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है लंच। लंच जो है वो आपका 1 to 2 के बीच में यानी 1 से 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। 2 बजे के बाद आप अपने लंच को डिले मत करिए। तो लंच में हमें लेना है 1 बोल घिया, इसके साथ हमें कोई भी चपाती, कोई भी रोटी, कोई राइस कुछ नहीं लेना, और इससे आपका पेट भी भर जाएगा। ये बहुत फुलफिलिंग है। आपको शुरुआत में हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ी सी मुश्किल जरूर आएगी, आपको भूख लगेगी, लेकिन ग्रेजुअली आपकी बॉडी जो है वो अडैप्ट हो जाएगी, इस चीज से एडजस्ट हो जाएगी, और फिर आपको ऑटोमेटिकली भूख ज़्यादा लगनी बंद हो जाएगी। शुरू में हाँ थोड़ी भूख लगेगी, लेकिन आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करिएगा। तो दोस्तों देखिए हमारी लंच की रेसिपी। तो वेट लॉस घिया बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 घिया, और यहाँ लिए मैंने 2 टमाटर। इससे बनाएंगे हम अपना बहुत ही टेस्टी यमी वेट लॉस घिया। इस साइज में आप काट लेंगे इसको। यहाँ पे मैंने अपने जो टमाटर है उनको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर और इसको रख दिया मैंने गैस पर मीडियम फ्लेम पर। 1 छोटा चम्मच ऑयल ले लेंगे हम, यहाँ पे कोई भी ऑयल ले सकते हो आप। यहाँ 1 छोटा चम्मच जीरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा मैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ यहाँ पे, और 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे हम इसको। इसमें हम डाल देंगे अपनी टमाटो प्यूरी, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। बस लिड को ऊपर से ऐसे ही रख के मैंने इसे ढक दिया था। अब देखिए टमाटर यहाँ पे हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम अपना घिया डाल देंगे। जब सारा का सारा घिया अच्छे से मिक्स हो जाएगा टमाटर की प्यूरी के साथ, इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे 1 ग्लास पानी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कुकर की लिड लगा देंगे और इसको बंद करके हम सिर्फ 1 विसल तक इसको पकाएंगे। 1 विसल इसमें आ गई है, सारी स्टीम निकल गई है। अब इसको मैं दिखा रही हूँ आपको खोलकर। देखिए ये इतना यम्मी घिया बनके रेडी हो गया हमारा, और ये एक पूरा बोल हम खाएंगे लंच में। दोस्तों लंच के बाद हमारा आता है इवनिंग स्नैक, जो कि 4 से 5 बजे के बीच में आपको लेना है। 4 से 5 बजे के बीच में आप लेंगे 1 ग्रीन टी। कोई भी ग्रीन टी आप ले लीजिए, लेकिन ग्रीन टी के अंदर आपने चीनी बिल्कुल नहीं ऐड करनी है। तो 1 कप ग्रीन टी आप लीजिए, और वो मस्ट है, आप ज़रूर लीजिए उसको। और साथ में आप अगर आपने मॉर्निंग में वॉलनट और आमंड्स यानी बादाम और अखरोट नहीं लिया तो वो आप शाम को ले सकते हो। आप शाम को भुना चना एक छोटी कटोरी ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स आपको शाम को अवॉइड करने हैं, वो आप मॉर्निंग में ही लीजिए। उसके बाद आता है हमारा डिनर, जो आपको मालूम है 7 बजे से पहले ही लेना है, 7 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना। दूसरी चीज जो ये है कि हमें डिनर में कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने, और हमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं लेना। तो डिनर में हम क्या लेंगे? डिनर में हम लेंगे एक ऐसी चीज जिसको लेने से हमारा जो वेट लॉस है वो बहुत ज्यादा स्पीड में चलेगा, बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। इसको लेने से आपका
जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा अगर आपको है. आपका पेट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेगा और आपका जो वेट लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा. तो डिनर में हम लोग लेंगे सूप. कौन सा सूप लेंगे हम? पम्पकिन सूप. तो ये रही पम्पकिन सूप की रेसिपी. तो ये रहे मेरे पम्पकिन सूप के इंग्रेडिएंट्स. ये रहा पम्पकिन, इतना पीस एक पम्पकिन का हमें ले लेना है. और एक प्याज ले लेना है छोटा, छोटा सा अदरक का पीस लेना है यहाँ पे, और थोड़ा सा हमें यहाँ पे लहसुन ले लेना है. अब इन सब चीज़ों को चॉप कर देंगे हम. प्याज लहसुन और अदरक को छोटा छोटा चॉप कर दिया है और पम्पकिन को मैंने बड़े क्यूब्स में काट दिया है. कुकर ले लेंगे एक, उसको गैस पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर. और यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक छोटा सा चम्मच ऑयल का डाल दिया है. कोई भी ऑयल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. इसमें मैंने यहाँ पे लहसुन डाला है सबसे पहले और अदरक भी डाल रही हूँ मैं. आप हल्का सा भून लेंगे हम इसे. तो थोड़े से जब यहाँ पे ये ब्राउन हो जाएंगे मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ और फिर प्याज भी थोड़े बहुत भून लेंगे. अब जब ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना पम्पकिन. तो ये सारा का सारा पम्पकिन हम डाल देंगे इसमें. अब इसमें डालूंगी 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर. इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी. एक ग्लास पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी लिड लगा देंगे हम. और इसको हम 4 whistles तक पका लेंगे. और जब इसमें 4 whistles आ जाएंगी तो सारी स्टीम निकलने तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और स्टीम निकलने के बाद इसको हम खोलेंगे. अब हैंड ब्लेंडर का यूज़ करके मैं सारा का सारा ये जो इसमें सब्जियां हैं इसको ग्राइंड कर दूंगी कि रेडी हो गया हमारा सूप. बस थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डालिए और थोड़ा सा लेमन डालिए और बन के रेडी हो गया हमारा बहुत ही यमी सा सूप. आप ध्यान रखिए इसमें सॉल्ट आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे दोस्तों. और इसमें मैं थोड़ा पेपर डाल रही हूँ और ये रेडी हो गया हमारा पम्पकिन सूप. ये लीजिए, एंजॉय करिए इसको. तो दोस्तों ये है हमारे डिनर की रेसिपी. आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपने सूप में सॉल्ट बिल्कुल नहीं ऐड करना है, तभी आप अपने करेक्ट गोल पे पहुंच सकेंगे. इसके बाद आपको लेना है अपना नाइट ड्रिंक, जो आप लीजिए तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास. और उसके बाद आपको सो जाना है. 10 बजे के बाद आप बिल्कुल नहीं जागिए. अगर आप कर सकते हो ये तो आप ज़रूर फॉलो करिए. तो ये रही हमारी नाइट ड्रिंक की रेसिपी. तो गाइज, नाइट ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया है गैस पर एक पैन. उसको गर्म कर लिया है मैंने. एक ग्लास पानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 सिनेमन की स्टिक्स, दालचीनी की स्टिक्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे. और इसको ढककर मैं रख दूंगी जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता. अब ये लिड हटा रही हूँ. देखिए पानी बॉयल होने लग गया है यहाँ पे. सारा का सारा सिनेमन का एक्सट्रैक्ट आ गया है इसमें. गैस बंद करके इसको 5 मिनट तक ढक के रख दिया है मैंने. पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो गया है. अब ये पानी मैं ग्लास में ट्रांसफर कर रही हूँ. देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका. और ये आपकी मेटाबॉलिज्म को रात भर बूस्ट करेगा. एकदम फैट कटर नाइट ड्रिंक बनके रेडी हो गया हमारा यहाँ पे. बस इसमें हम एक आधा लेमन स्क्वीज कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है हमारा नाइट ड्रिंक. ये लीजिए. तो दोस्तों ये रहा पूरा डाइट प्लान जो आपको फॉलो करना है. और इसको एटलीस्ट 15 दिन तक आप ज़रूर फॉलो करिए और फिर आप उसके बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद. लेकिन आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ फॉलो करनी है. और बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो 15 डेज में आई अश्योर यू 10 kgs तो कहीं नहीं गया. आपका 15 किलो भी लूज़ हो सकता है. और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. और बस अपना वेट लूज़ करना ही हमारी ज़िंदगी में एक टारगेट नहीं होना चाहिए. उसको ख़त्म करते हैं अपनी लाइफ से एक बार ख़त्म करके. और फिर दूसरे काम भी तो हमें अपनी लाइफ में करने हैं. शुरू शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी. आपको हो सकता है कि 7 to 10 days थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहे. हो सकता है कि आपकी मोशन प्रॉपरली पास नहीं हो. क्योंकि अगर आप बॉडी को एकदम से सडनली कुछ चेंज देते हो तो आपकी बॉडी डेफिनेटली उससे शॉक होगी कि ये क्या डिफरेंस हो रहा है मेरी बॉडी में. बट उससे घबराना नहीं है. आप डाइट प्रॉपरली फॉलो करिए. पानी 3 से 4 liters जरूर पीजिए. गर्म करके पीजिए तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आ जाएंगी. आपको शुरू शुरू में फॉर 7 to 10 days बहुत ज़्यादा भूख लगेगी. हर टाइम भूख लगी रहेगी. ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, नहीं मुझे तो खाना चाहिए. लेकिन आपको जो मैंने बताया है सिर्फ उतना ही खाना है. आपको उससे
ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना और ये प्रॉपरली फॉलो करना ही करना है, तभी आपका वेट लूज होगा। एंड आई नो कि आप ज़रूर ये कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको प्रॉपरली आप फॉलो करिए और 15 डेज़ के बाद मेरे साथ अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये डाइट प्लान आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा, कितना वज़न आपने इसको फॉलो करके लूज़ किया है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोगों का भी वेट लूज़ होगा मेरी तरह। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप मुझे बताना चाहते हो, या कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं ज़रूर उन सब चीज़ों का जवाब आपको दूंगी। तो मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको फिर से बताऊंगी कि किस तरीके से हम वेट लूज़ कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हम खा के अपना वेट लूज़ कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सो बाय फॉर नाउ।